कौशल्या की गोद भरने वाली है, भविष्यवाणी हो चुकी है, पुत्र जन्म लेगा, नाम पहले से ही निश्चित है, राम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी इस टाइम पे डायरेक्ट इस तरीके से व्लॉग में मैं एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि हमें हो चुकी थी लेट और अंधेरा हो चुका था, तो डायरेक्टली कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 5 तारीख है और दशहरा है, और दशहरा महोत्सव में जैसे कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि दशहरा में काफ़ी स्पेशल होता है, जो हमारा अल्मोड़े का दशहरा होता है वो काफ़ी स्पेशल होता है। तो स्पेशल इसलिए होता है अल्मोड़े का दशहरा, क्योंकि अदर जगह में क्या होता है कि सिर्फ 3 पुतले बनाए जाते हैं, जो अल्मोड़ा शहर है और जो यहाँ पे जो दशहरा मनाया जाता है इसको स्पेशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्मोड़ा शहर में जो दशहरा मनाया जाता है उसमें जो हमारे रावण हैं उसके सारे पूरे के पूरे परिवारों के पुतले बनाए जाते हैं, जो कि कुछ पुतले हमें मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखा दिया था, और आज मैं आप लोगों को पूरे कंप्लीट पुतले दिखाऊंगा और आज सारे के सारे पुतलों का दहन होगा यहाँ पे। तो आज बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में और चैनल को सपोर्ट करें। और जो सबसे मेन स्पेशल है आज वो है हमारे कुछ यूट्यूबर्स आने वाले हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, यहाँ पे काफ़ी कॉन्सर्ट वगैरह होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है, जो कि पिछले साल उतना नहीं हुआ था कोविड की वजह से, जो सिर्फ पुतले जला दिए गए थे और कॉन्सर्ट वगैरह कुछ हुआ नहीं था पिछले साल कोविड का। तो इस बार थोड़ा सा धमाल होने वाला है, तो बने रहिए, देखते रहिए। इस बार का जो दशहरा होने वाला है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और अभी हम लोग वैसे पहुँच चुके हैं और फिलहाल अभी बज रहे हैं, 6:30 हो चुका है और 8 बजे से कॉन्सर्ट है, तो हम लोग पहले से वहाँ पर जाके आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करा देते हैं, दिखा देते हैं मतलब वहाँ पर क्या क्या होने वाला है। और फिलहाल अभी थोड़ा बहुत हवा की आवाज़ें भी काफ़ी आ रही होंगी क्योंकि हम चलती गाड़ी से बात कर रहे हैं और माइक भी मेरा घर पे ही छूट गया है, तो उसके लिए माफ़ करें। तो चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, बस पहुंच के दिखाते हैं वहाँ के थोड़ा बहुत नज़ारे दिखाते हैं। चलो दशहरा, तो चले चलो। तो गाइस, आज हमारे साथ में है बिज्जू, जैसे कि आप जानते ही होंगे, विजय दीनानाथ चौहान, और ये नमस्कार कह रहा। और आज हम लोग दशहरे में ये और मैं हैं, सिर्फ काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो हम करते हैं मस्ती। तो गाइस, जैसे कि हम लोग स्टेडियम के ऊपर रोड में पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा स्टेडियम जहाँ पे अल्मोड़ा का जो फेमस स्टेडियम है, और यहाँ पे अभी सारे पुतले आएंगे, अभी कॉन्सर्ट वगैरह की तैयारी चल रही है, अभी कोई आया हुआ नहीं है, अभी तैयारी चल रही। तो अभी आप जाते हैं नीचे, दिखाते हैं आपको फिलहाल रास्ते में पुतले, पुतले फिलहाल अभी रास्ते में ही आए होंगे, और यहाँ पर पुलिस वगैरह का सभी प्रबंध है, बाई चांस कुछ हो ना जाए प्रॉब्लम वगैरह, तो इस वजह से सभी व्यवस्थाएँ वगैरह यहाँ पर है, और काफ़ी जाना माना फेमस दशहरा महोत्सव मनाया जाता है अल्मोड़े में। तो चलते हैं, तब तक दिखाते हैं आपको आगे। अभी स्टेडियम पे पुतले तो आए नहीं है, हमने सोचा एक राउंड थोड़ा मार्केट का एक्सप्लोर कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम पुतले जो आते हैं सारे पुतले एक साथ लगे रहते हैं और वहाँ से पुतले चलना स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल कोई भी पुतले चलना स्टार्ट नहीं करे, अभी तो फिलहाल लोग ही जमा हो रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो जाते हैं हम आगे को, दिखाते हैं कि जो पुतले वगैरह चलना स्टार्ट होते हैं वो कहाँ पर से होते हैं, देखते हैं पुतले कहाँ तक पहुँचे। अभी फिलहाल देख के आते हैं कि पुतले कहाँ तक पहुँचे, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अभी तो ये शुरुआत है, पूरी एंड तक वीडियो जरूर देखना, तो जैसे बहुत सारा दिख जाएंगे वापस आ जाएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में और काफ़ी धमाल होने वाला है आज, तो बने रहिए इस वीडियो में। और अभी आपको देख सकते हैं कि अभी इस टाइम पे अल्मोड़ा मार्केट में कितनी भीड़ होने लग गई है, मतलब लोग अपने घरों से आने लग गए हैं, क्योंकि कॉन्सर्ट वगैरह जो भी प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट होते हैं वो मेनली 8 बजे से ही स्टार्ट होते हैं। जब तक पुतले आते हैं तब तक बिज्जू को लग गई है भूख, इसको हम लाते हैं यहाँ पर से सचिन चाट भंडार से मोमोस, जो कि यहाँ के फेमस मोमो लिया। तो देखो बिज्जू हमारे लिए लेके आ गया मोमोस, और सबसे पहले मस्त मस्त मोमोस खाते हैं भाई, गर्मा गर्म मोमोस। और इस तरफ से आएंगे पुतले, पुतलों का इंतजार मोमो खाते हुए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भाई अब पुतले ढूंढने चलते हैं, मोमोस वगैरह हमने खा लिए हैं और अभी तक पुतले आए नहीं है, तो ढूंढने चलते हैं रावण के पूरे सदस्य को। हाँ तो गाइस, हम लोगों ने सोचा यहाँ पे पुतले होंगे सारे के सारे, तो मुझे लगता है कि पुतले दूसरी साइड को लगे हुए हैं, अब यहाँ से हमें काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, सीधे स्टेडियम पे चलते हैं, पुतले देखने आए और वेट करते हैं स्टेडियम पे, देखते हैं कि कॉन्सर्ट वगैरह किस तरीके से सजाया है इस बार। तो पुतले हर साल तो यहीं पर लगते थे लेकिन इस बार लगे नहीं यहाँ पे, तो कहीं और जगह लगे, तो चलते हैं वहीं पर ही डायरेक्ट आ जाएंगे। तब तक हमारे आपको स्टेडियम वगैरह दिखाने तक पुतले भी आ जाएंगे, उनको भी दिखा देंगे। I see you there, and my heart goes blind when I see you there.
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम की तरफ को जा रहे हैं, और अभी फ़िलहाल उतनी भीड़ नहीं है, अभी धीरे धीरे जब तक पुतले नहीं आते तब तक भीड़ भाड़ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया सा, और ये रहा हमारे अल्मोड़े का फेमस स्टेडियम जहाँ पे देख सकते हैं आप अभी उतनी भीड़ हुई नहीं है, और जो ये सारी जगह खाली है इस साइड पुतले लगाए जाते हैं और यहीं पे इनको जलाया जाता है, और बाकी जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो है सामने स्टेज। तो दिखाते हैं यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं मस्त मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस अभी कुछ कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं और अभी हम लोग बैठते हैं आगे और आप लोग दिखाते हैं अपने अल्मोड़े के फेमस दशहरे का। यहाँ से भी चल जाएगा, तो यहाँ पे बैठते हैं कहीं पे आराम से और आपको पूरे नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया महोत्सव होने वाला है यहाँ पे। मानसून का महीना है, मैं आपसे मिलने आऊंगी और आप छाता लेकर आना क्योंकि बारिश हो सकती है और हम भीग सकते हैं। धन्यवाद। तो प्रस्तुत है आपके सामने एडम्स गर्ल्स और इंटर कॉलेज की ओर से एक नेपाली नृत्य। असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि, टिभीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर आएको सानी। हावा चल्यो सिरिरी, यात्रै सिरिरी, म बजाउँछु मुरली तिरिरी। हावा चल्यो सिरिरी, यात्रै सिरिरी, म बजाउँछु मुरली तिरिरी। तिमी नाच सिरिरी कौशल्या की गोद भर्ने वाली, भविष्यवाणी हो चुकी है, पुत्र जन्म लेगा, नाम पहले से ही निश्चित है राम। काफी भीड़ भाड़ हो रही है, एक मटकते हुए आ रहा है सामने। संजू हो गया, कहाँ गया मेरा? भाई ये आ रहा है एक बॉडी बिल्डर। संजू
नाम है इसका भाई, त्रिपुला पुत्रा। अमरीशपुरी लग रहा है। तो अब आगे को दिखाते हैं, बाकी काफी जल चुके हैं आगे। चाहते हैं मेहनत कर लेते हैं। अल्मोड़ी का जो काफी दशहरा होता है काफी बेहतरीन और काफी मजेदार होता है, और काफी मजा आया होगा, उम्मीद है आप लोगों को भी। तो अभी आपको और भी दिखाते हैं। तो आगे को कुछ पुतले जला दिए गए हैं। तो भाई अभी देखते हैं, ये एक पुतला और है। तो यहाँ पे लगभग सभी पुतले जल चुके हैं। ये रहा पुतला, भी इनके वस्त्र ऊपर उतार रहे हैं। तो नंगा करके जलाएंगे यार पुतले को, नंगा करेंगे। हाँ, इनको धीरे धीरे करके सभी जलाएंगे। इसका तो पूरा हड्डी तक जल चुकी है हमारा आने से पहले। ये पता नहीं कौन एक हाथ, ये देखिए ना उसका हाथ जला के देखते हैं। तो अभी इसको जलाने की तैयारी चल रही है इस पुतले को। तो अब सभी लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं, इसके साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इसका नाम क्या है? ये है वीरत पुतला। दंत कांति बाबा रामदेव, कभी कभी आंखों में भी लगा है। तो गाइस अभी हमारी बाइक लगी हुई है यहाँ पे, और एक पुतला और आ गया है। और बिज्जू हमारा हमसे पहले पहुंच चुका है यहाँ पे। तो गाइस आई होप, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और काफी मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।